MPPSC के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आशा करता हूं आप सभी ने डाउनलोड कर लिया होगा और ये देख लिया होगा कि हमारा सेंटर सरजी अब कहाँ होने वाला है। तो जो पहली अफवाह थी बहुत सारे बच्चों के पास कि सर जी एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, तो ये तो भैया क्लियर हो चुका है कि अब हमारा पेपर तय समय पर होने वाला है। अब हमारे पास अगर ले दे के देखा जाए तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार बचते हैं, जिनमें से एक दिन को तो आप हटा ही दीजिए। मान के चलिए कि हमारे पास केवल 6 दिन बचते हैं। अब इन 6 दिनों में प्यारे विद्यार्थियों हमें किसी भी तरह से यूनिट 10 को निपटाना है, मतलब 10 जो हमारी इकाइयां दी गई हैं, एक यूनिट 1 से लेके यूनिट 10, क्योंकि बहुत सारे बच्चे समझेंगे यूनिट 10 मतलब यूनिट 10 केवल, नहीं, मैं यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक की बात कर रहा हूं। इसे हमें रिवाइज करना है। देखिए, नया कुछ पढ़ने की अब आवश्यकता नहीं है, जो अब तक आप पढ़ते आ रहे हैं प्लीज़ अब उसी को सिर्फ रिवाइज करिए, उसे डाइजेस्ट करिए, रिकॉल करिए, और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरी सलाह अगर माने तो यूट्यूब पर बेफालतू में क्वेश्चंस लगा कि अपना वक्त बिल्कुल ना जाया करिए। इससे अच्छा आप ये है कि हार्ड कॉपी का टेस्ट सीरीज उठाइए और चुपचाप प्यारे विद्यार्थियों 1 से 1.5-2 घंटे में उसे सॉल्व करने का प्रयास करिए, क्योंकि वो आपको एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर देगा, आपको अपनी सोचने की गतिविधि शामिल होगी, है ना। इसमें आप मत वक्त जाया करिए, बिल्कुल भी मत करिए। 6 दिन आप अपने आप को दीजिए, अपने दिमाग को शांत रखिए, कंसंट्रेट होकर फिर अपनी थ्योरी को, जो अब तक आपने पढ़ा है, अपने फैक्ट्स को प्यारे विद्यार्थियों रिवाइज करते रहिए, है कि नहीं। क्योंकि आप सबको विशेष फोकस रखना होगा किसमें, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश होता क्या है कि जब MPPSC का पेपर देने आप जाते हैं ना, तो बहुत से बच्चे, ठीक है, MPPSC में MP पर ही फोकस करते रहते हैं। देखो, MP को फोकस तो करना ही है, जिसमें सबसे पहले मध्य प्रदेश का आपको भूगोल बहुत अच्छे से कर लेना है प्यारे बच्चों, रिवाइज करने की बात कर रहा हूँ, फिर मध्य प्रदेश का इतिहास आपको कर लेना है, मध्य प्रदेश का प्यारे विद्यार्थियों अर्थशास्त्र आपको कर लेना है, मध्य प्रदेश की प्यारे विद्यार्थियों राज व्यवस्था बहुत अच्छे से करनी है, इसके साथ साथ प्यारे विद्यार्थियों मध्य प्रदेश की कला एवं संस्कृति बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। और अगर इसके साथ साथ में खेल कूद का परिदृश्य, जिसको आप लोग किसमें रख सकते हैं, याद रखना है सभी विद्यार्थी गणों को, करंट के एवज में भी आप देख सकते हैं, परीक्षा सेतु में ही यूट्यूब चैनल पे सारी क्लासेस जो इम्पॉर्टेंट सेशन है हमने भैया लाइव क्लासेस लेके डाल दिया है, तो वहाँ से भी आप बढ़िया 2x की स्पीड में देख डालिए, रिवाइज कर डालिए, क्योंकि थ्योरी के रूप में हमने पढ़ाया है, ठीक है। ये तो MP की बात हो जाती है, जिसमें आपके कई सारे यूनिट्स प्यारे विद्यार्थियों कवर अप हो जाते हैं। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा फोकस अभी आपको जाते जाते किसमें करके चलना है, यूनिट 7 पर जितना अच्छे से आप प्यारे विद्यार्थियों कर सकें, यूनिट 9 को और यूनिट प्यारे विद्यार्थियों 10 को, इनको आपको लिबर्टी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। क्योंकि अगर आप सोच लीजिए MP में अगर आपने 35 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए हैं, ध्यान रखना है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप 80+ जाएंगे, कितना जाएंगे, 80+ जाएंगे, तो MP तो आपको करना ही करना है किसी भी कीमत पे। लेकिन होता क्या है कि जो नए नए तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं बड़ी गड़बड़ियाँ करते हैं, उनको लगता है MPPSC माने कि MP, या फिर जो अदर राज्यों से बच्चे आते हैं, अलग जगह से बच्चे चल के आते हैं, अलग स्ट्रीम, मतलब जो अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, उनके साथ भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो आपको प्यारे विद्यार्थियों यूनिट 7, यूनिट 9 और यूनिट 10 में किसी भी प्रकार की लिबर्टी आपको नहीं लेनी है, चाहे हम एनवायरनमेंट की बात करें, चाहे हम साइंस एंड टेक की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, जो भी नई चीज़ें रोबोटिक्स वगैरह जोड़ी गई हैं, या फिर जितने भी यूनिट 10 में प्यारे विद्यार्थियों आयोग दिए गए हैं। क्योंकि अगर हम समानता ये भी मान के चलें बच्चों कि 10 क्वेश्चन यहाँ से, 10 क्वेश्चन यहाँ से और 10 क्वेश्चन यहाँ से, तो मान के चलिए आप 30 हो जाता है, और 30 का मतलब आप समझ रहे हैं ना, सीधे आप 65 तो यहीं पर पहुँच जाते हैं। और इस 65 में सोचिए आपका अब MP हो गया 35 का, और प्यारे विद्यार्थियों 30 यहाँ से आपके यहाँ से बन गए। अगर बाय चांस प्यारे विद्यार्थियों कुछ क्वेश्चंस 1-2 ज़्यादा भी यहाँ से आ जाते हैं, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि इनको आप मनाएंगे ना, तो आपके 35-70 यहीं से आराम से आ सकते हैं। इसके बाद बचता है क्या है आपका, ठीक है, यूनिट 6 प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से मुझे पता है बहुत अच्छे से जो भी विद्यार्थी हैं कर लेते हैं, है ना, चाहे हम इंडियन
पॉलिटी की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है। जितना आप सिलेबस में दिया ना पॉइंट पॉइंट, सिर्फ उन पॉइंटर्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है और इंडियन इकोनॉमी के भी उन पॉइंट्स को प्यारे विद्यार्थियों आपको रिवाइज करके जाना है और कुछ भी अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका जो एग्ज़ाम है ना बड़े आराम से हो जाएगा। तो इन 6 दिनों में सिर्फ आपकी ड्यूटी यही होना चाहिए कि सुबह का जो पहला घंटा, 3 घंटे अगर आप 6 बजे से सुबह उठ के पढ़ते हैं तो 6 से 10 तक प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, मैं बीच में 3 घंटे कर रहा हूँ लेकिन 1 घंटा नहीं शामिल करता मैं कभी भी, क्योंकि 10 मिनट चाय भी पी ली, कुछ भी कर लिया, इधर उधर का थोड़ा सा रील भी स्क्रॉल कर ली, जो भी आप कर रहे हैं। तो इन 6 से 10 में पहले सेशन में प्यारे विद्यार्थियों आपको एमपी निपटानी है सबसे पहली फुर्सत में। सुबह सुबह जब भी उठ के आप पढ़ना शुरू करें ना तो मध्य प्रदेश को पहली प्राथमिकता में रखें। इसके बाद प्यारे बच्चे आपको कहां पर पहुंचना है, यूनिट 10 पर पहुंचना है, यूनिट 9 पर पहुंचना है, यूनिट 7 पर पहुंचना है और इससे संबंधित एमसीक्यूज लगाइए और कोशिश करिए कि एमसीक्यू जितना हार्ड कॉपी में होंगे ना उतना आपको फायदेमंद देंगे। और मैं एक बात और आपके पते की बता दूं, पेपर मान लीजिए आपका 9 बजे सुबह से होने वाला है ना, तो कोशिश करिए कि ये जो एमपी आप 9 बजे ख़त्म कर दें, 10 बजे ख़त्म कर दें, तो जो आप लोग टेस्ट लगाएं ना पेपर, तो 10 से 12 के बीच में ही पेपर लगाएं, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस समय थोड़ा सा अपने आपको 5-6 पेपर लगा लेंगे ना एग्ज़ाम के पहले पहले, और शनिवार को मत पढ़ना, अभी से बता दे रहा हूँ, छोड़ देना, 24 घंटे पहले सब कुछ छोड़ के रख देना, सिर्फ दिमाग को शांत करके बैठना है। ज़्यादा करें मॉल घूमाओ, चाय पी लो, कुछ भी कर लो, लेकिन और कुछ आपको करने की आवश्यकता अतिरिक्त यहाँ पर नहीं है मेरे बच्चे। इतना कर लोगे ना फिर आप देख लीजिएगा, आप MPPSC प्री निकाल के आएंगे और 22 तारीख को ही नहीं 21 को शाम को आप हमसे खुद कहेंगे, सर अब बताइए मेंस की क्लास आपसे करनी है और मेंस में प्यारे सर जी हमको कुछ भी हो जाए तोड़ देना है। तो इसी आशा के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। जल्दी से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिए, ये सारी चीज़ें कर लीजिए, फिर मिलते हैं प्री को निकालने के बाद, है ना। और बाकी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, बाकी चीज़ें चल रही हैं जिनको आप लोग देख सकते हैं। तो तब तक लिए सभी को प्यारे विद्यार्थियों थैंक यू है और खूब पढ़ते रहना, जितना आप पढ़ सकते हैं प्यारे बच्चों पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन बैच हमारा चल रहा है, इंक्वायरीज दी हैं, नंबर भी मेरा दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। तब तक लिए सभी को थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।